हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, मैं लेसनर ताज एक बार फिर से हाजिर हूँ अपना एक और नया बकचोदी वाला वीडियो लेकर। दोस्तों, आज मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो एक ऐसा पदार्थ है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं लेकिन इतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ। हाँ, तो दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको बताऊँगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बादाम का। जी हाँ, बादाम, वही बादाम जिसे लोग हर रोज़ खाते हैं, एक बार खाते हैं, दो बार खाते हैं, बार बार खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बादाम एक ऐसा पदार्थ है जिसके बारे में मुझे दुनिया के बारे में तो पता नहीं लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिसे इंडिया में बैंड कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, इसी बादाम की वजह से इंडिया में कुछ चूतिए बच्चे चूतिया पापे PhD कर रहे हैं। जी हाँ, PhD की डिग्री ले रहे हैं बादाम की वजह से, वो भी चूतिया पापे। इंडिया के पेरेंट्स अपने बच्चों को बादाम इसलिए खिलाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बादाम खाकर उनके बच्चे पढ़ाई में 90+ लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर बच्चे जब बादाम खाते हैं तो अपना दिमाग पढ़ाई में नहीं बल्कि चूतिया पा करने में लगाते हैं। जी हाँ, जैसे कि लड़कियाँ पटाने के लिए, सेल्फी खींचने के लिए, मोहिनी का डांस देखने के लिए, और तो और बाथरूम में 1 घंटा पेशाब करने में लगाने के लिए। हाँ तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सरसों के तेल में रहने वाले कुछ वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि वर्तमान इंडिया में यह स्थिति बनी हुई है कि बादाम खाने वाले बच्चे ज़्यादातर उल्टी दिशा में अपना दिमाग लगाते हैं। जैसे कि अगर आप चेक करोगे, जैसे कि आप बादाम खाने वाले बच्चों के मोबाइल या लैपटॉप चेक करोगे तो ज़्यादातर ब्रेजर्स या नोटी अमेरिका में ही लॉगिन नज़र आएगा आपको। बेंचों में तो ये कहता हूँ, अगर आप रात को 9 से लेकर 12 बजे के बीच ब्रेजर्स या नोटी अमेरिका में जाओगे तो वहाँ पर ऐसे कई सारे हार्ड वर्क करते हुए बच्चे नज़र आएंगे जो बादाम खाते हैं। बेंचों पहले के ज़माने में बच्चे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैट्समैन ये याद रखते थे, लेकिन आजकल के बच्चे डेनी, डायना, ब्रोरन, रॉसी, यहाँ तक कि मियाँ खलीफा का नाम याद रखते हैं बेंचों। आजकल के ज़्यादातर बच्चे स्कूल में यही बात करते हैं, ए तूने ब्रदर्स की नई वीडियो देखी? हाँ देखी, उसके बाद बहुत मेहनत भी करनी पड़ी। अरे तुझे तो पता नहीं, मेरा अपने आप नल से पानी निकलने लगता है। बेंचो, अगर स्कूल में टीचर ये क्वेश्चन पूछ लेती है कि बच्चों बताओ औरत और मर्द में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंसेस होता है औरत और मर्द में, तो बेंचों बच्चे यही आंसर देते हैं कि मैडम, औरत अगर क्रिकेट बॉल है तो मर्द क्रिकेट बैट है, बस ठोकने की ज़रूरत पड़ती है, वह ठोको। और बेंचों इन सब के पीछे होता है बस एक ही चीज़, बादाम। और यार, या तो हद ही हो गई, इसी बादाम के वजह से बहुत क्राइम भी हो रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि बेंचों मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, कद्दू चोरी, यहाँ तक कि बेंच कद्दू चोरी भी हो रहा है इसी बादाम के वजह से। हाँ तो बेंचो, अभी कुछ दिन पहले मैं बस पे जा रहा था, तभी मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। यार पुलिस पीछे पड़ गई मेरी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हंसने पे पुलिस कैसे पीछे पड़ सकती है, तो मैं बता दूँ गाइस, जब मैं हंसता हूँ तो मेरे मुँह से बहुत अच्छी अच्छी गालियाँ निकलती हैं। हाँ तो मैं तभी भाग भाग कर एक दारू के अड्डे में गया। हाँ तो वहाँ मेरी नज़र दो शरीफ चोरों पर पड़ी, उनके बीच बहुत सीक्रेट सी बातें हो रही थी, तो मेरा कान वहाँ पर थोड़ा, मतलब आप समझ ही रहे होंगे, मैंने थोड़ा ध्यान से सुना उनकी बातें, बहुत सीक्रेट बात हो रही थी उनके बीच में। तो एक ने दूसरे से पूछा, अरे सत्यम, तुझे पता है रसीला की मुर्गी जवान हो गई है, शायद आजकल अंडे भी दे रही है। तो दूसरे ने कहा, तू भी ना यार डीडी, बिल्कुल कच्चे खिलाड़ी वाली बात करता है, तू ये पता लगा कि रसीला अपने अंडे कहाँ छुपाती है। बेंचो, उस सीक्रेट बात सुनने के बाद मैंने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया गाइस, मतलब इतनी सीक्रेट बात तो मैंने आज तक नहीं सुनी। और यार कानून के हवाले करने के बाद यार पुलिस वालों ने भी यार सिंगम स्टाइल में मुझे बहुत हंसाया, बहुत ही हंसाया यार। तब से लेकर मैंने ये शपथ ले ली कि यार इंडिया से बादाम को ख़त्म करना है, बादाम मुक्त इंडिया बनाना है मुझे, इस बादाम को मुझे ख़त्म करना है। जिस दिन मैं बादाम को पीके के साथ उसकी उड़न खटोला में बेच पाऊंगा, उस दिन मेरा ये मतलब संकल्प, मतलब ये मिशन पूरा होगा।
हाँ तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये बकचोदी पसंद आया होगा। हाँ तो कुछ बंदों ने मुझसे ये पूछा था कि मैं अपना शक्ल क्यों नहीं दिखाता हूँ। तो गाइस मैं शक्ल दिखाकर क्या करूँ, मुझे केट विंसलेट की रिश्ता लेकर आओगे मेरे साथ, क्या करोगे? तो यार बस आज के लिए इतना ही, और मुझे अच्छा नहीं लगता यार अपना शक्ल दिखाना, उससे भी मैं कोई शाहरुख खान तो दिखता नहीं हूँ। तो गाइस तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Boom boy, you chatty boom.